एक बेटे को बाप से खूब पढ़ाता है। यहां पर सरकारी नौकरी करने वाले भी बहुत लोग बैठे हुए हैं, प्राइवेट नौकरी करने वाले भी बहुत लोग बैठे हुए हैं, और व्यापार करने वाले भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, खेती करने वाले भी बहुत लोग बैठे हुए हैं। एक पिता अपने पुत्र को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाता, बहुत विद्वान बनाने का प्रयास करता, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाने का प्रयास करता है। पिता अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, पिता अपने बच्चे को अच्छे कॉलेज में पढ़ाता है, पिता अपने बच्चे को अच्छी ट्यूशन देता है, पिता अपने बच्चे को अच्छी कोचिंग देता है, सब कुछ, बच्चे को कपड़े भी देगा, कोचिंग भी देगा, ट्यूशन भी देगा, पढ़ाएगा भी, विद्या अध्ययन भी कराएगा, पिता सब कुछ अपने बेटे को दे देता है। पर वही बेटा जब पिता से मुंह मिलाए, वही बेटा जब पिता को अपशब्द कहे, वही बेटा जब पिता के सामने खड़े होकर मुंह चलाए, तो पिता को भी लगता है कि मैंने कौन सी एजुकेशन इसको दे दी थी, मैंने क्या पढ़ा दिया था इसको, इसको क्या दिया है मैंने। इसको कौन सी एजुकेशन, कौन सी विद्या दे दी, कौन सा पढ़ा दिया मैंने। एक पिता अपने बच्चे को पैसा लगाने में मना नहीं करता, एक पिता अपने बच्चे को धन और वैभव देने में मना नहीं करता, पर वही बच्चा जब पलट कर अपशब्द कहे, ताने दे, आड़ा टेढ़ा बोले, तो पिता को श्रेष्ठता नहीं लगती है। आप उन्नति पर बढ़ो, माता पार्वती और भगवान शंकर की परिक्रमा करी थी भगवान श्री गणेश जी महाराज ने, और पृथ्वी की परिक्रमा करी थी सदानंद कार्तिकेय जी ने। शंकर जी इतने खुश हो गए थे, इतने प्रसन्न हो गए थे शिव जी के प्रसन्न होकर, खुश होकर भगवान शंकर ने गणेश जी को वर प्रदान कर दिया था कि तुम प्रथम गिनती में आओगे, क्योंकि तुमने हमारी परिक्रमा करी। पर माता पार्वती जी को ये अच्छा नहीं लगा, माँ आदिशक्ति को ये ठीक नहीं लगा, और माता पार्वती जी को ये श्रेष्ठ नहीं लगा। तो पार्वती जी ने कहा, आपका प्रेम एक पुत्र पर है, गणेश जी पर, सदानंद कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने गए हैं, और गणेश जी आपकी परिक्रमा करे तो आपको प्रियता लग दी है, ये श्रेष्ठ नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। पार्वती जी ने भगवान शिव जी से वचन मांग लिया कि आज के बाद आपकी पूर्ण परिक्रमा कभी नहीं है। ये माता पार्वती जी ने शंकर जी से वचन मांगा है कि आज के बाद आपकी पूर्ण परिक्रमा कभी नहीं है, आपकी पूर्ण परिक्रमा कभी नहीं हो। शिव जी ने पूछा क्यों, पार्वती जी कहती हैं गणेश जी ने आपकी परिक्रमा करी और आपने उसको प्रथम गिनती में लाकर छोड़ दिया, प्रथम पूज्य बना दिया, अगर आपकी कोई परिक्रमा कर लेगा आप इतने भोले हो कि आप किसी को भी पद प्रदान कर सकते हो, किसी को भी प्रतिष्ठा दे सकते हो, किसी को भी ऊंचा स्थान दे सकते हो, इसलिए आपकी पूर्ण परिक्रमा नहीं, आपकी पूर्ण परिक्रमा ना हो, आपकी परिक्रमा अगर होए भी तो आधी होकर वापिस आ जाए। एक पिता अपने पुत्र को सब कुछ देने को तैयार हो जाता है, पर एक पुत्र से पूछा जाए कि वो अपने पिता को क्या दे रहा है,
अपने पिता को क्या प्रदान कर रहे हैं, अपने पिता को क्या दे सकता है। एक पत्र में एक बहन ने लिखा है, हमारे घर की माँ को एक बेटा प्रिय लगता है और एक बेटा प्रिय नहीं लगता, और आप कहते हो कि घर के माता पिता का सम्मान करो, आदर करो। हमारी सास को एक बेटा प्रिय है और एक बेटा प्रिय नहीं है।